हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 8 अक्टूबर 2021, एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक का, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एवरीवन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2021 में किन तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन तीनों का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त तीनों यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर तीन वैज्ञानिक है जिन्हें भौतिक का यानी कि फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं यहाँ पर स्क्यूक्यूरो मनाबे, दूसरे व्यक्ति हैं क्लाउस हेसलमैन, और यहाँ पर तीसरे व्यक्ति हैं जॉर्जियो पारिसी। तो इन तीनों व्यक्तियों को भौतिक के नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। देखिए, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया है, तीन व्यक्तियों को यहाँ पर दिया है, जिनके तीनों के नाम यहाँ पर निम्न क्रम है। यहाँ पर स्क्यूक्यूरो मनाबे, हेसलमैन और यहाँ पर पारिसी, इन तीनों को यहाँ पर ये दिया गया। एवरीवन, इन्होंने जटिल भौतिकी प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया है एवरीवन। और यहाँ पर जो मनाबे हैं ये अमेरिका से हैं, और बाकी यहाँ पर जो हेसलमैन हैं ये बेसिकली आपको जर्मनी से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। देखो, इन्होंने पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता और यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है। जॉर्जियो पारिसी जो है ये इटली से हैं, इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिकी प्रणाली के विकास और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रियाओं की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। 2021 का जो मेडिसिन है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार, ये डेविड जूलियस और यहाँ पर आर्दिम पाटापाउटियन को दिया गया है। कौन सी संस्थान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है? तो याद रखिएगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, यानी कि स्वीडन के अंदर ये स्थित है एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीव विज्ञान बीमा LIC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं एवरीवन? तो इसका राइट आंसर है बी आपका करेक्ट है, यहाँ पर BC पटनायक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र से है, चेयरमैन है MR कुमार और प्रबंधक निदेशक है BC पटनायक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को यहाँ पर GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रॉयलगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को यहाँ पर भौगोलिक संकेतक दिया गया है। सफ़ेद प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जियों के रूप में यहाँ पर प्रयोग होता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, और इसे प्याज की औषधीय गुण है यहाँ पर, जिसका रोग इसका प्रयोग बेसिकली हृदय रोग के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के रिगार्डिंग और इंसुलिन निर्मित में भी यहाँ पर किया जाता है एवरीवन। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से आते हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 ये कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है, बी आपका करेक्ट है, 4 अक्टूबर को। हर साल 4 अक्टूबर को यहाँ पर पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। यहाँ दिन संयुक्त राष्ट्र की पहली यहाँ पर एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है इंसानों में मूल अधिकारों की पहचान करना और पर्याप्त यहाँ पर जो आशय है यहाँ पर ये देना है एवरीवन। गरीबी को समाप्त कर बेहतर जिंदगी जो लाइफ जो है यहाँ पर इसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं यहाँ पर एवरीवन इसके रिगार्डिंग, तो ये भी यहाँ पर बता देना है एवरीवन। और इस बार की इसकी जो थीम है ये है यहाँ पर एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?
तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी जो है इसने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी जो है उसकी खेती को शुरुआत कर दी है, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। असली दालचीनी जो है ये श्रीलंका में उगाई जाती है। एवरीवन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है यहाँ पर बी, यहाँ पर ये जीता है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन मेल्टर वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2021 का खिताब यहाँ पर जीत लिया है। 10 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर से 2020 से लेकर 4 अक्टूबर 2021 तक chess24.com पर किया गया था। इस टूर्नामेंट को FIDE द्वारा यहाँ पर रेट नहीं किया गया है। एवरीवन, अगला क्वेश्चन है, GMEX 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी, जापान यहाँ पर, और भारत और जापान के बीच में यहाँ पर ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। भारत और जापान के बीच 5 संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMEX 21 6-8 अक्टूबर से यहाँ पर किया जा रहा है। एवरीवन, और जो बेसिकली ये अरब सागर में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें दोनों सेनाओं की जो नौ सेनाएं हैं यहाँ पर वो यहाँ पर शामिल हुई हैं। एवरीवन, इसका ये 5वां संस्करण है और आयोजन स्थल यहाँ पर अरब सागर आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर जो पट्टे हैं वो दिए जाएंगे, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर की गई है। एवरीवन, तो बेसिकली जन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर इस दो महत्वाकांक्षी जो अभियान है उनको यहाँ पर शुरू किया गया है। इनके लिए भूमि के जो पट्टे हैं वो यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे। इसका टारगेट है 10 लाख भूमि के जो पट्टे हैं ना वो इस बार यहाँ पर बांटे जाएंगे लोगों को। भारतीय भारोत्तल महासंघ यानी कि बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहदेव यादव जो हैं ये बने हैं। तो सहदेव यादव 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष, और यहाँ पर आनंद गोड़ा को महासचिव यहाँ पर बनाया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 से कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ये इस बार भी 5 अक्टूबर को मनाया गया है। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, ये जो वीडियो था हमारा ये यहाँ तक ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।